86 रन बनाए हैं, 27 रनों का लक्ष्य रखा है, उसका पीछा करते हुए ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में रुपेश और दर्पण की जोड़ी मैदान के ऊपर, संतोष फ्रॉम कोल्हापुर बॉलिंग मार्क पर। फुलटॉस गेंद कवर के सर के ऊपर से एक बहुत ही बढ़िया शॉट खेलते हुए और गेंद बाउंड्री की तरफ जाती हुई, लेकिन फील्डर बहुत ही बढ़िया तरीके से गेंद को रोकने में कामयाब होते हुए दो ही रन पर संतुष्ट रहते हुए दो रनों के साथ वहां पर खाता खोलते हुए खुद का और टीम का ऑफ द मार्क बल्लेबाज रुपेश। फील्डिंग करने वाले खिलाड़ी तुषार धमापुरकर बहुत ही अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन करते हुए संतुष्ट किए गेंद ढीले हाथों से खेला है गली के क्षेत्र में, एक रन जरूर मिलेगा, बड़े शॉट की दरकार है यहां पर बल्लेबाजों के बल्ले द्वारा, क्योंकि एक विशाल स्कोर उन विशाल स्कोर का पीछा करना है। संतोष जो कि बॉलिंग मार्क पर और उनके सामने बल्लेबाज है दर्पण आचरेकर, जिन्होंने इसके पहले के मैच था जो उनका आसरा टीम का पहले ओवर में 22 रनों की बढ़िया पारी खेली थी 6 गेंदों में, तो वही दर्पण खेलने के लिए तैयार। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, लेकिन इस बार उनके सामने बॉलर है संतोष जो कि मजे हुए बॉलर है, बहुत ही अच्छी सदिक लेंथ और लाइन की दिशा में बॉलिंग करते हुए बल्लेबाजों को बांधकर जकड़ कर रखने में कामयाब रहते हुए, रनों पर अंकुश रखना में कामयाब रहते हुए फिर एक बार संतोष दर्पण के लिए ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने से अंपायर की बाई हाथ की ओर से हवा में खेला हुआ शॉट, कैच होने की संभावना, लेकिन फील्डरों से बहुत से दूर, एक रन ही शायद एक रन पर ही संतुष्ट रहते हुए। तो इसी के साथ ही पहला ओवर खत्म होता हुआ, पहला ओवर खत्म होने के बाद बहुत ही नाजुक हालात यहां छोड़ से बरकत जो कि बॉलिंग मार्क पर है फ्रॉम कोल्हापुर और उनके सामने लोकल बॉयज दर्पण आचरेकर खेलने के लिए तैयार। बरकत की अगेन अच्छी गेंद, उतनी बढ़िया तरीके से खेला है, शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में, डीप मिड विकेट के खिलाड़ी दौड़ते हुए जाते एक रन पर ही संतुष्ट रहते हुए 87 रनों का पीछा करते हुए बहुत ही धीमी शुरुआत। नितिन माटुंगे ने पहले इनिंग में क्या धुआंधार पाली खेली थी, चौको छक्को की बरसात की थी, इस बार रिवर्स स्वीप शॉट खेला है और गेंद देखनी पड़ेगी, इस बार गेंद कवर क्षेत्र में बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए, 4 रनों के साथ यहां पर हौसले थोड़े बहुत बढ़ेंगे बल्लेबाजों के। इस बार खेला हुआ शॉट मिड विकेट के खिलाड़ी के सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए रुपेश की बल्ले से। इस बार खेला हुआ शॉट मिड विकेट के खिलाड़ी के सर के ऊपर से, पर पहले इनिंग में मैं बता रहा था कि 12 गेंदों में 4 सिक्सर लगाकर 33 रनों की बढ़िया पारी नितिन माटुंगे ने खेली, उसकी बदौलत एक विशाल स्कोर यहां पर खड़ा करने में कामयाब रहती हुई मयूर स्पोर्ट कट्टा की टीम। हालांकि युवराज सिंह के नाम पर एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है कि 12 गेंदों में उन्होंने 50 रन पूरे किए थे, हाफ सेंचुरी सिर्फ 12 गेंदों में युवराज सिंह ने पूरी की थी, और वो कब की थी, इंग्लैंड के खिलाफ जब 6 गेंदों में 6 सिक्सर जड़े थे तब की। फिलहाल मयूर स्पोर्ट कट्टा के नितिन मांडुके ने बहुत ही बढ़िया आज के दिन में बल्लेबाजी, 12 गेंदे और 33 रन, और दूसरे बल्लेबाज जो कि संदीप मकवाना
उन्होंने 7 गेंदों में 24 रन और दूसरे बल्लेबाज जो कि मकवाना, उन्होंने सही बनाए थे, लेकिन इस टीम ने 5 दर्पण आउट होकर पैवेलियन लौटे हुए उनकी जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज। दो ओवर में बहुत ही नाजुक हालात यहां पर अचरा टीम के, 16 रन 87 रनों का पीछा करते हुए। मनोज सकपाल बॉलिंग मार्क पर इस बार पॉइंट के क्षेत्र में, माफ कीजिएगा, शॉर्ट कवर के क्षेत्र में खेला हुआ शॉट, 1 रन पर ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। हालांकि बड़ी शॉट की दरकार है यहां पर अचरा टीम के लिए, लेकिन ऐसे कोई भी बल्लेबाज नहीं जो बड़े शॉट लगाने में कामयाब रहते हुए। हालांकि दूसरे ओवर में एक सिक्सर एक बाउंड लगाई थी, थोड़ा बहुत आक्रामक रूप अपनाया था, लेकिन उसके बाद बहुत ही ठंडे लगते हुए बल्लेबाज। एक बार मनोज सकपाड़ा, फिर एक बार लेग स्टंप छोड़कर जाने वाली गेंद पैरों पर टकराई, अपील करते हुए अंपायरों पर कोई असर नहीं, नॉट आउट का इशारा अंपायर करते हुए। बड़े बड़े शॉट की दरकार है बल्लेबाजों के बल्ले द्वारा, लेकिन बल्ला अभी तक खामोश रखते हुए बॉलर। हवा में लॉन्ग ऑन की दिशा में संतोष के हाथों में सीधी चली गई और एक विकेट गिरता हुआ बल्लेबाजों के बल्ले द्वारा, लेकिन बल्ला अभी तक खामोश रखते हुए बॉलर। मनोज सकपाल एक सफलता हासिल लेने में कामयाब रहते हुए, फिर एक बार बढ़िया गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए डॉट निकालने में कामयाब रहते हुए विकेट के पीछे, जो कि बहुत ही बढ़िया काम करते हुए नितिन माटुंगे, बल्लेबाज का नाम नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े हैं आशीष उनका नाम। बड़े शॉट की दरकार है, लेकिन अभी तक वो बल्ले से करिश्मा नहीं करते हुए आचरा के बल्लेबाज एक विशाल स्कोर का पीछा करते हुए उनके कंधे काफी झुके हुए नजर आ रहे हैं और इस मैच में पूरी तरीके से पकड़ मजबूत करते हुए मयूर स्पोर्ट कट्टा के खिलाड़ी। तो फिर एक बार मनोज, इस बार अच्छा शॉट, फाइन लेग की दिशा में गेंद जा रही है, खिलाड़ी गेंद की तरफ दौड़ते हुए जाते, फील्ड करते, एक ही रन पर संतुष्ट रहते हुए। भाग दौड़ कर भी रन नहीं बना रहे, सिर्फ बल्ला घुमाना जानते हैं। तो फिर इसी के साथ ही 3 ओवर खत्म हो चुके हैं, 3 ओवर खत्म होने के बाद स्कोर है यानंतर होना रहा सामना ध्रुव अपार से गोवा विरुद्ध जीएम स्पोर्ट्स शिरगाव यांच्या या ठिकाणी खेळला जाईल। दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी नाणेफेकीसाठी मान्यवरांच्या कक्षासमोर या ठिकाणी यायचं आहे। Sous-titrage Société Radio-Canada.
चली गई। रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबाव द्वारा और बाजार पेट मित्र मंडल मिडबाव द्वारा इस प्रतियोगिता का आयोजन यूट्यूब द्वारा, ये देखिएगा ये कहां पर गेंद डाली संतोष ने, हालांकि गिर पड़े सर्व पांच षटकर जी सामने रहते। यूट्यूब द्वारा संतोष नानेकर जी बहुत ही बढ़िया लाइव। रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबाव द्वारा और बाजार पेट मित्र मंडल मिडबाव द्वारा इस प्रतियोगिता का आयोजन यूट्यूब द्वारा, ये देखिएगा ये कहां पर गेंद डाली संतोष ने, हालांकि गिर पड़े सर्व पांच षटकर सापर रबड़ी की तला एंचोत नसीला निगड़ा पहाके या आगे के दी हार आउटपुट द्वारा। ये देखिएगा ये कहां पर कर बहुत ही बढ़िया कमेंट्री करते हुए अंपायर, जो कि अंपायर हमारे जो कि उमेश मांदरेकर, मंगेश धुरी, दीपक धुरी, एम्ब्रोज अल्मेडा बढ़िया काम इस प्रतियोगिता के दरमियान करते हुए, और स्कोरिंग की भूमिका जो कि सोनम चौहान जी बाखूबी बढ़िया तरीके से निभाते हुए, फ्रीट का इशारा अंपायर द्वारा आता हुआ, और इस प्रतियोगिता के सर्वे सर्वा जो कि शैलेश लोके जी और इस रामेश्वर प्रतिष्ठान मंडल के प्रमुख कार्यकर्ता अध्यक्ष है भाई नरे जी, उपाध्यक्ष मंदार ढोके जी, उनके सभी साथी पिंकू मेटबावकर और रामेश्वर प्रतिष्ठान मंडल कार्यकर्ता मौजूदगी दिखाते हुए ठीक हमारे दूर वाले छोर से संतोष बॉलिंग मार्क पर आगे निकलकर खेलना चाहते थे, स्टंप आउट होकर पवेलियन लौटते हुए और एक विकेट गिरता हुआ, बहुत ही नाजुक हालात यहां पर आचरा टीम के। खेलना चाहते थे दुसरा फिर इतना सामना होना रहा है। नाणेफेक खेलते पाहूया कुठला संघ नाणेफेक जिंकतो आहे तो। क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी स्वीकारताय ध्रुव पारसे गोवा हा संघ। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद संतोष की, डॉट निकालने में कामयाब। वैसे देखा जाए तो ये मैच मयूर स्पोर्ट कट्टा की टीम पूरी तरीके से हावी होती हुई इस मैच के ऊपर, सिर्फ कुछ औपचारिकता बची है, कुछ गेंदे बची है खत्म होने की, इसका ही इंतजार है। और वाइड बॉल का इशारा अंपायर करते हुए एक्स्ट्रा रन हुआ, 23 स्कोर है, 23 रन एक विशाल स्कोर का पीछा करते हुए, 87 रनों का पीछा करते हुए। फिर एक बार वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा आता हुआ, संतोष जो कि बॉलिंग मार्ग पर वाइड गेंदे ज्यादा डालते हुए, हालांकि समय ज्यादा लेते हुए यहाँ पर संतोष, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर सिक्सर जड़ेंगे कुछ भी बड़े बड़े शॉट जड़ेंगे तो भी इतना फर्क नहीं गिरने वाला, क्योंकि ढेर सारे रन उनके बनाने हैं अभी भी। तो संतोष की अगेन यहाँ पर धीमा बॉल और बहुत ही अच्छा शॉट, लेकिन काफी देरी हुई है उनके बनाने हैं। तो संतोष की अगेन यहाँ पर दिमाश और बहुत ही अच्छा शॉट, लेकिन बहुत अच्छी गेंद इस बार, बहुत ही बढ़िया गेंद संतोष की, काफी तेज रफ्तार से डाली हुई, स्विंग एंड मिस जिसे कहते हैं वैसी गेंद यहाँ पर घुमाव प्राप्त करते हुए,
अगली गेंद लेकर। फिर एक बार वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा आता हुआ। इस ओवर में ज्यादा वाइड डालते हुए संतोष और यहां पर हमारा भी और खुद का भी समय बर्बाद करते हुए हैं। फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है जो कि चौथा ओवर प्रगति पर है। सिर्फ 7 गेंदे खत्म होने का इंतजार है इस मैच में। यह अच्छा शॉट कहा जाएगा। तो कुल मिलाकर 4 ओवर खत्म हो चुके हैं। 4 ओवर खत्म होने के बाद स्कोर है 33 रन। सिर्फ आखिरी 6 गेंदे बची है, तब तक सुरभि डीजे बजाइएगा। और बॉलिंग मार्ग पर जो कि बॉलिंग का भार संभालते हुए संदीप मकवाना, बॉलिंग का भार संभालते हुए मैन फ्रॉम कोल्हापुर, कोल्हापुर के रहने वाले ये ऑलराउंडर खिलाड़ी बहुत ही अच्छी बॉलिंग का भार, बल्लेबाजी का भार भी संभालते हैं, बॉलिंग भी बहुत ही बढ़िया करते हैं। हवा में गेंद और खिलाड़ी के पहुंच से दूर गेंद। इस गेंद के ऊपर 1 रन लेते हुए दिखाई देते हुए, तो अभी भी 5 गेंदे बची है। वैसे देखा जाए तो सिर्फ औपचारिकता बची है इस मैच के। अगला मुकाबला खेला जाएगा। और 1 विकेट गिरता हुआ। वैसे देखा जाए तो सिर्फ औपचारिकता बची है इस मैच के। अगला मुकाबला खेला जाएगा। अगला मुकाबला खेला जाएगा जीएम स्पोर्ट्स शिरगांव और ध्रुव पार से गोवा के बीच में। गोवा राज्य की बहुत ही बड़ी टीम मानी जाती है ध्रुव पार से गोवा, उनका सामना जीएम स्पोर्ट्स शिरगांव के साथ इस मुकाबले के बाद होगा। हालांकि संदीप मकवाना बॉलिंग का भार संभाल रहे हैं। एक अच्छा शॉट लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, कौस्तुभ मसूरकर वहां पर मौजूद है। औपचारिकता बची है सिर्फ 2 गेंदे खत्म होने की। सिर्फ 2 कदम दूर है अपने जीत से मयूर स्पोर्ट कट्टा की टीम। अगले मुकाबले में ध्रुव पार से गोवा टीम ने टॉस जीता है। पहले बल्लेबाजी करने का फैसला ध्रुव पार से गोवा टीम ने किया है और जीएम स्पोर्ट्स शिरगांव टीम को फील्डिंग के लिए आमंत्रित किया है। तो मैच खत्म होने के बाद तुरंत, माफ कीजिएगा, ध्रुव पार से गोवा टीम ने फील्डिंग करने का फैसला किया है और बल्लेबाजी के लिए जीएम स्पोर्ट्स शिरगांव टीम को आमंत्रित किया है। तो मैच खत्म होने के बाद तुरंत जीएम स्पोर्ट्स शिरगांव अपनी फील्डिंग सजाएगा। अब आखिरी गेंद बची है। ये मैच देखकर दर्शक भी परेशान हो गए। ऐसे ही मैच यहां पर है, थोड़े से बल्लेबाज नाराज करते हुए, जो अपेक्षाएं रखी थी मैच में वो अपेक्षाएं यहां पर बल्लेबाज पूरे नहीं करते हुए।
कातली राजापुर से रोहित सोलकर इस टूर्नामेंट में सभी दर्शकों और खिलाड़ियों का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबाव डे नाइट ओरम क्रिकेट स्पर्धा में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले अगर मैच की ओर देखा जाए तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्रुव पारसे गोवा और जीएम स्पोर्ट्स के बीच में चलता हुआ यह मुकाबला, जिसमें ध्रुव पारसे गोवा ने पहले टॉस जीता, फील्डिंग करने का निर्णय लिया और बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया है जीएम स्पोर्ट्स शिरगांव को। अब देखना होगा कौन सी टीम जीतती है, कौन सी टीम हारती है। तो जीएम स्पोर्ट्स की सलामी की जोड़ी बीच मैदान पे नितेश मोंडकर सिंगल डबल का बादशाह जिसे कहा जाता है गिरिये विजयद्रुप गांव के अक्षय घाड़ी, उनके साथ में अंपायर का इशारा। इस मैच में जो अंपायर है उमेश मांजरेकर और मंगेश धुरी, बॉलर गौरेश गेंदबाजी मार्ग पर अपनी तरफ से पहली और टीम की तरफ से पहली ओवर लेकर गौरेश राइट आर्म राउंड विकेट। नितेश मोंडकर के लिए स्ट्रेट ड्राइव गेंद आती हुई, फील्डर तैनात, एक रन लिया, दूसरा रन भी पूरा कर लिया। इस दो रन के मदद से अपना खाता खोला नितेश मोंडकर ने। सिंगल डबल पर ज्यादा ध्यान देते हैं, नितेश मोंडकर अच्छी बल्लेबाजी करने में माहिर है।